आर न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए आपको बता देते हैं, जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो सुप्रीमो इन दिनों पैरोल पर आए हुए हैं और पैरोल पे आने के साथ ही वो तमाम प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज रविवार को वो रेवाड़ी के जिला कार्यालय में पहुंचे और वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही, साथ ही उन्होंने मौजूदा केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर भी जमकर तीखे प्रहार किए। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जो है ओम प्रकाश चौटाला ने चिंता जताई। तमाम कई मुद्दों पर उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को बताया, कई मुद्दे पे बात की, साथ ही के साथ मीडिया से भी रूबरू हुए। क्या कुछ मीडिया से कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। इन दिनों जो देश में ज्वलंत मुद्दा है CAA, NPR और NRC को लेकर के भी चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए सीधा आपको सुनाते हैं। और चौटाला को साथ ही ये भी बता देते हैं कि चौटाला इन दिनों संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते क्या कुछ कहा। लेकिन अब शाम को फिर भीड़ पड़नी शुरू हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। जो सबकी मीटिंगों में आए उनको घर वापसी में भी समय लग जाता है, उनको दिक्कत आता, मेरे को पढ़ने पड़ता रात नहीं दिया गया, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। लोग परेशान ना हो इसके लिए मेरा भरपूर प्रयास यही होता है कि मैं समय का सदुपयोग करके थोड़े शब्दों में आपसे बात करना चाहता। आपसे निवेदन करने आया है कि आप संगठन को मजबूत बनाओ। नया संगठन हम खड़ा करने जा रहे हैं, अच्छे साथियों का चयन करो, अच्छे कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ो और संगठन को मजबूत बना करके जन आंदोलन से लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो सकता है और संगठन आपका अगर मजबूत होगा और इस प्रशासन का अंत हो गए, नए सिरे से जब चुनाव होंगे निश्चित रूप से सफलता आपके तुरंत सुनेंगे। अगर आपकी सरकार बनेगी, अतीत में हमने अच्छे काम किए, भविष्य में उससे भी ज्यादा है, चाहते अभी भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो वजूद ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद लोगों से वादा किया दिया कि किसी साथी को कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, मुख्यमंत्री निवास पर आकर के CM विंडो में दरख्वास्त दे, मुख्यमंत्री की खिड़की पर दरख्वास्त, हम उसकी मुस्कुराहट दूर करेंगे। मुझे एक बार चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और संयोग से किसी साथी को मिलने के लिए मुझे निकला,
तो मुझे उस सड़क से जाना पड़ा जिस सड़क पे मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गौर से देखा मुख्यमंत्री की खिड़की बंद पड़ी थी, कोई दरबार देने वाला नहीं था। लोगों से पूछने का पता चला किसी की दरबार तक आई है तो भी उसको कोई विश्वास नहीं मिला। सरकार हमारी में पड़ी और हमने उस नीति में परिवर्तन किया। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाते। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर एक गांव में गए थे, और गांव के लोगों ने जो कोई मांग रखी उसे आज के आप पूरा किया कि नहीं किया। हमारी सोच थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। आपको एक ही मिलाना चाहूंगा, आप लोगों को मेरी तरफ से विश्वास दिलाएंगे, संगठन अगर मजबूत बनाओगे तो संगठन के मजबूत पर इस सरकार का पतन होगा। मध्य अवधि चुनाव होंगे और नए सिरे से जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकार पर प्रत्यक्ष में प्रमाण कोई जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश में 3 ही राजनीतिक दल, एक कांग्रेस पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी से लोग परेशान हैं, दुखी मजबूरन लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। संगठन मजबूत होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और मजबूत संगठन के मजबूती पर फिर आपकी सरकार बनेगी। और जब सरकार आपकी बनेगी तो प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करें। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए तो भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे करेंगे। ये आपके लोगों को विश्वास देने की आवश्यकता है। जो वायदा आप जनता से करके आओगे उस वायदे को निभाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। सबूत है आपके सामने, राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव में वायदे करते हैं वोट लेने के लिए। हम हर घर के एक पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी देते, और अगर किसी घर में 5 पढ़े लिखे युवक एक को अगर सरकार नौकरी दे भी देते तो पहले मैं आपको बधाई दे चुका हूँ। आज थोड़ी अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। हमारी सरकार के वक्त में 3200 युवाओं को नौकरी मिली थी, जिनको नौकरी मिली उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगी। नौकरी दिलाने वाला जेल में बैठा है। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरी जितनी सजा थी वो सब समाप्त हो गई, मुझे ये नहीं छोड़ रहे। जेल के कायदे बड़े हुए कि कोई कैदी बीमार हो, अपंग हो, अपाहिज हो, 4-5 सीट करके चलने फिरने में दिक्कत हो, तो
तो उस बीमार व्यक्ति को चाहे उसकी 20 साल की सजा है उसको छोड़ दिया जाए। मुझे रात को 12 बजे अस्पताल से निकाल करके जेल दे देते, मुझे भी छोड़ दो। ऐसे योजना काट के 15 वर्ष का बदमाश काट चुके नहीं काट सकते। 10 साल कांग्रेस का कुशासन रात 5 साल इस 15 साल के अरसे में इस देश के हम नागरिक का बहुत भारी नुकसान था। सरकार बनने के बाद उस आर्थिक नुकसान की भरपाई हम सरकारी कोष से करेंगे। एनआरसी को लेकर के जो चल रहा है तमाम जो चीजें चल रहा है इस वक्त क्या कहें जी। दूसरा देश में सरकार बनी है गठबंधन की और अभी 250 पे पेंशन बढ़ाई है, किस रूप में आप देख रहे हैं? सरकारी काउंसिल का वायदा करते हैं 22 सुविधा लेकर के आप समर्थन में हैं विरोध में? सीएए और जो एनआरसी को लेकर के आप समर्थन में हैं विरोध में? मेरे विरोध समर्थन का फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश का हर युवक चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी युवक भी इससे नाराज। एक घोटाला या तमाम चीजों को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है, आप क्या समझते हैं उसको? क्या राष्ट्रवाद एक किसी में है या नहीं है तो इसको एक मुद्दा बना दिया जा रहा है? सोच होती हमारा राष्ट्र समूचे विश्व के सतर्क